आज मेरा सब्जेक्ट है पैरेट के ऊपर है। मैं आप लोग को बताऊंगा पैरेट के बारे में, पैरेट फिशेस के बारे में। काफी लोगों हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑफिश। और हम वापस आ चुके हैं अपने सबके फेवरेट आरिफ भाई के साथ। तो आरिफ भाई, आज का वीडियो क्या है बता दो। सबसे पहले आप लोग का मैं स्वागत करूंगा ऑफिस चैनल पे मेरे। आप लोग का काफ़ी थैंक्स है। मेरा जो चैनल है, आज मेरा सब्जेक्ट है पैरेट के ऊपर है। मैं आप लोग को बताऊंगा पैरेट के बारे में, पैरेट फिशेस के बारे में। काफ़ी लोग का प्रॉब्लम जो है पैरेट के बारे में रिलेटेड है। काफ़ी लोग का जो प्रॉब्लम्स आता है पैरेट के अंदर, ब्लैक होने का रीज़न आता है, किसी का कलर फेंट हो जाता है या किसी का कोना पकड़ लेता है, ये सब इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला पैरेट फिश के ऊपर। तो आप लोग को बता दो पैरेट के ऊपर। तो बेसिकली अपन आज जानेंगे कि पैरेट फिश क्या है, कैसे है, कैसे रखते हैं, क्या टैंगमेट्स है और क्या खाना चाहिए, और क्या बीमार होते हैं तो क्या करेंगे। बराबर आरिफ भाई, ट्रीटमेंट के बारे में और आपको रखने का तरीका बताऊंगा पैरेट के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आरिफ भाई पहले पैरेट फिश क्या है, पहले पैरेट फिश को जानते हैं। तो आरिफ भाई यहाँ पे पैरेट फिश, तो जरा पैरेट फिश के बारे में जरा इन्फॉर्मेशन दिए कि क्या है पैरेट फिश। पैरेट फिश के बारे में आप लोग को सबसे पहले एक बात बताऊंगा, ये मैन मेड पैरेट है, फिश है ये। एक्चुअली इसको इंसानों ने एक प्रजाति से, चिकलेट वैरायटी में से इसको ईजाद किया हुआ एक वैरायटी है। और इसके जो कलर्स है, येलो एंड रेड कलर है, इसके अंदर टैटू पैरेट्स आते हैं, ब्लू कलर आता है, पर्पल कलर आता है, टाइगर पैरेट आता है, इसमें बहुत सारी टाइप्स के अंदर पैरेट्स आते हैं। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखे होंगे, वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, तो उसके अंदर उस टाइप के पैरेट्स आते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूँ तो पैरेट्स के बारे में, पैरेट्स रखने का तरीका से लेकर आपको मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ। तो आप लोग को ये बता दूँगा कि दो कलर जो है, एक रेड और एक येलो कलर, ये जो कलर है ये भी एक आर्टिफिशियल कलर है। जैसे ये इंजर्ड मार के कलर किया हुआ होता है इसको, ये भी आर्टिफिशियल कलर है, बट ये कलर जल्दी जाता नहीं है। साइज़ बढ़ने के बाद थोड़ा सा फेंट होता है, जैसे कि ऑरेंज टाइप होएगा या थोड़ा सा वाइटनेस आएगा हल्का सा, या येलो है तो थोड़ा सा वाइटनेस आएगा, बट कलर इसका रहता है। मगर आर्टिफिशियल में जैसे कि टैटू पैरेट है या फिर पिंक या फिर ब्लू या फिर ग्रीन कलर के जो पैरेट्स आते हैं, उनके कलर इंजर्ड किए हुए होते हैं, ये कलर एकदम पर्टिकुलरली निकल जाते हैं। तो बाद में वो पैरेट जो होता है वाइट कलर के दिखने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए वो पैरेट लेने के लिए। जैसे कि आप टैटू लेते हो, ग्रीन लेते हो, या फिर आप अगर आप पिंक लेते हो या फिर आप ब्लू लेते हो, ये सब कलर आपको आर्टिफिशियल कलर को लेने से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग आपको बताता हूँ मैं, टाइगर पैरेट। टाइगर पैरेट आप ले सकते हो, टाइगर पैरेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइगर पैरेट जो होते हैं उसका कलर इतना जाता नहीं है, उसके अंदर ब्लैक कलर की जो लाइन होती है, जो उसका जो स्ट्राइप आते हैं, किसी में दो स्ट्राइप आता है, किसी में तीन स्ट्राइप आता है, उसी को बोलते हैं टाइगर पैरेट। दूसरा इसके अंदर एक आता है हार्ट शेप पैरेट। दूसरे एक ये टाइप के पैरेट आते हैं जैसे हार्ट शेप, मतलब जिसको टेल नहीं होता है उसको, टेललेस होते हैं उसको बोलते हैं हार्ट शेप पैरेट। जैसे कि एग्जाम्पल इसका नाम पड़ा है हार्ट, क्योंकि उसका पीछे का जो बैक साइड है वो हार्ट के जैसा, दिल के जैसा दिखता है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर उसका, तो इसके लिए उसका नाम हार्ट शेप पैरेट पड़ा है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, हार्ट शेप जो पैरेट है इसकी एक मतलब एक साइज़ होती है, पर्टिकुलर साइज़ है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। जैसे कि जो नॉर्मल टेल वाले पैरेट जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये जो येलो पैरेट है टेल वाला, इसका साइज़ मिनिमम 8 इंच 10 इंच तक का समथिंग साइज़ में चले जाता है। तो मैं आपको वो भी साइज़ का पैरेट बता देता हूँ। ये एक टाइप में आता है पैरेट, जैसे कि इसको किंग कॉन्ग पैरेट बोला जाता है। किंग कॉन्ग पैरेट में एक वो भी एक जात है किंग कॉन्ग पैरेट की, जो बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि मिनिमम ये 12 इंच तक चले जाता है किंग कॉन्ग पैरेट में। और इसके अंदर कोई पैरेट को हेड्स वगैरह आते हैं, ऊपर हेड आते हैं, वो एक अलग टाइप का पैरेट है जिसको हेड आते हैं ऊपर रेडिश कलर का, तो वो भी मैन मेड है, वो भी हाथ से बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है वो भी। तो ये टाइप्स होते हैं पैरेट्स के, जैसे कि एग्जांपल थोड़ा बड़ा होना, मगर जो ये टेल वाले जो पैरेट है ये समथिंग 8 इंच 7 इंच 8 इंच तक चले जाते हैं, इन लोग का साइज़ बढ़ता है। और इन लोग का जो नॉर्मल जो है, इन लोग का कलर वगैरह जो थोड़ा हल्का सा फेंट होता है, बाकी जो आर्टिफिशियल ब्लू पिंक वगैरह जो भी कलर है, टैटू पैरेट है, ये लोग कलर पर्टिकुलर चले जाते हैं। तो मतलब आरिफ भाई, ये जो साइज़ के पैरेट्स है वो ये साइज़ के पैरेट हो जाएंगे बाद में, अगर अच्छे फीडिंग और वगैरह रखे तो। ये जो है, ये जो टाइप का पैरेट है, ये किंग कॉन्ग पैरेट में इसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, जो दूसरे साइज के जो होते हैं इसमें जो टाइप है इसका पैरेट मैं आपको बताता हूँ। ओके, मतलब ये अलग साइज में ग्रो होगा। ये अलग साइज में ग्रो होगा इसका। अच्छा, तो आरिफ भाई ये साइज में ग्रो होगा क्या वो वाले पैरेट फिश? नॉर्मल पैरेट इस साइज में ग्रो होता है, ये एक टाइप है जो नॉर्मल पैरेट का इतना बड़ा होता है। ये किंग कॉन्ग पैरेट बड़ी साइज में होता है, 10-12 इंच के साइज में ये होते हैं, 8 से 10 इंच के साइज में होते हैं। तो ये साइज तक नॉर्मल पैरेट चले जाता है यहाँ पे नॉर्मल में। ओके, तो आरिफ भाई पहला कोई अभी किसको पैरेट फिश रखने का मन है, किसको पैरेट फिश पसंद है और रखना चाहता है,
तो सबसे पहली बात आती है टैंक सेटअप करने की, तो क्या साइज होना चाहिए, कितने फिशेस रखे, क्या वो जरा कैसे टैंक सेटअप करे, ये जरा बता दीजिए पैरेट फिश के लिए। पैरेट के अंदर आप लोग को बता देता हूँ मैं कि पैरेट नॉर्मल बहुत से लोग क्या करते हैं, एक जोड़ी दो जोड़ी ले लेते हैं और दो फुट के टैंक में रखते हैं उसको। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पैरेट के अंदर जो होता है कि कम क्वांटिटी रखने की वजह से जो है कि मच्छी आपस में मारामारी करती है, तो मिनिमम आपको पैरेट रखना चाहिए 12, 8, 10। ओके, एक क्वांटिटी 2 फीट के टैंक में आपको रखना है। जितना ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे पैरेट में वो मारामारी नहीं करेगा, अगर आप जितना कम क्वांटिटी रखते हो वो आपस में मारामारी करेंगे, फाइट करेंगे, क्योंकि जितना उनको जगह मिलेगा, स्पेस मिलेगा, आपस में भिड़ने की जगह मिलेगी, वो भिड़ने लगेंगे, आपस में झगड़ा करने लगेंगे। ओके, और तो अरे भाई किसी को मतलब 2 या 4 पीस ही रखना है तो वो क्या करे, अगर मेल फीमेल, 2 फीमेल रखे या फिर 2 मेल रखे, ऐसा कुछ करे? एक्चुअल मैं आप लोग को बता देता हूँ, 2 मेल या 2 फीमेल रखेंगे तो पर्टिकुलर मारामारी होना जरूरी है, लाजमी है। जैसे कि ऑस्कर के अंदर है या दूसरी मच्छियों के अंदर, एग्रेसिव मच्छी के अंदर, चिकलेट के अंदर है, कम क्वांटिटी में रखेंगे तो मारामारी करते हैं। इसलिए जैसे कि एग्जांपल मैंने पैरेट के अंदर रखा हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी रखा हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी रखना है। कलर वाइज आप डिसाइड कर सकते हैं, टैटू रख, आप हार्ट शेप रख सकते हो उसके अंदर येलो में, हार्ट शेप रेड रख सकते हो, टेल वाला रख सकते हो रेड में, तेल वाला येलो में रख सकते हो, तो आपको डिपेंड टाइप्स में मतलब हार्ट शेप और नॉर्मल पैरेट मिला के आप कम्युनिटी में आप थोड़ा अच्छा क्वांटिटी रखें और थोड़ा सा हाइड एंड सीक थोड़ा सा बना के रखें ताकि मच्छी को आपस में मारामारी करने को मौका ना मिले। और थोड़ा सा एक ध्यान रखें कि फीडिंग टाइम टू टाइम रहना चाहिए, चिकलेट वैरायटी आपस में झगड़ा करेगी ज़रूर। और दूसरा क्या है कि लोग का मुंह थोड़ा सा छोटा होता है, तो ध्यान रखें आप दाना थोड़ा सा हल्का मीडियम साइज़ का, मतलब 3 mm 4 mm का दाना आप डालें, इसको पैरेट फूड आता है वो डालें, आप इसको चिकलेट फूड डालें वो खाएगा आपको, या फिर आप टेट्रा बाइट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग का प्रॉब्लम होता है कि भाई मेरे पैरेट का कलर जा रहा है, तो आपको रीज़न बता देता हूँ पैरेट का कलर जाने का। एक तो स्ट्रेस के वजह से कलर चले जाता है, दूसरा समथिंग पानी का आपका पीएच वगैरह लाइट रहेगा, हल्का पानी चलता नहीं है, चिकलेट वैरायटी हैवी पानी चाहिए तो भी कलर चले जाता है। सेकंड उसके ऊपर ब्लैक कलर का पेपरिंग आता है, मतलब कलर काले पड़ने लगते हैं, स्पॉटेड आता है, तो वो एक पेपरिंग होता है, पेपरिंग जो होता है स्ट्रेस के वजह से होता है मच्छी के। तो आप लोग को क्या करना है, इसके अंदर हीटर लगाना है, पानी हैवी रखना है आपको, पीएच हैवी चाहिए उसके लिए, तो आप उसके अंदर कोल्ड सैंड डाल सकते हैं, नमक डालने का थोड़ा हल्का सा, इसके अंदर थोड़ा सा लाइट नमक डालने का थोड़ा कम, पानी थोड़ा सा हैवी करने के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि डीप वाटर चेंजिंग पैरेट को चलता नहीं है, आपको सिर्फ ओनली फॉर इसके अंदर 50% या 30% 40% आपको पानी चेंज करना है, बॉटम पानी चेंज नहीं करना है। अगर बॉटम पानी चेंज करेंगे तो पैरेट नया पानी मिलने के बाद थोड़ा सा पेपरिंग आने का चांसेस होता है, तो उसके लिए आपको हीटर लगाओ, पानी हैवी रखो, कम पानी चेंज करो और थोड़ा सा फीडिंग प्रॉपरली करें उसको। अगर आपको आपका पैरेट अगर कोने में जा रहा है तो आप लोग को बता देता हूँ, इसके अंदर फिल्टर का भी इशू है, अगर आपने इंटरनल फिल्टर लगाया फ्लो मारने वाला तो भी फ्लो खा के पैरेट कोने में चले जाता है। अगर आप नॉर्मल स्पंज फिल्टर लगाते हो या कैनिस्टर फिल्टर लगाते हो तो आपका पैरेट एकदम कंटिन्यू कंडीशन, हैंग ऑन फिल्टर भी चल जाएगा। हैंग ऑन फिल्टर अगर टैंक छोटा है तो आप हैंग ऑन फिल्टर लगा सकते हैं, आपके टैंक के ऊपर कवर नहीं है तो आप हैंग ऑन फिल्टर लगाओ। अगर आप तो इसके लिए अगर नॉर्मल स्पंज फिल्टर इज बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मच्छी ज़्यादा गंदा नहीं करती है पैरेट, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉयलेट शीट वगैरह ज़्यादा नहीं करती है, गंदगी नहीं करती है, मेंटेनेंस भी जीरो है, आप उसको इजीली पाल सकते हो। ओके, तो मतलब अगर आरिफ भाई किसी को 2 रखना है तो 1.5-2 फुट के टैंक में 2 पैरेट फिश रखे और बाकी उसके टैंक मेट्स रख सकते हैं और हाइडिंग स्पेस। मैं आपको बताया था, तो अभी टैंक मेट्स की बात करते हैं, इसके अंदर टैंक मेट्स आप इसके अंदर पिरानास रख सकते हो, टिम्फॉइल रख सकते हो इसके अंदर, आप मोनो एंजल रख सकते हो इसके अंदर में, स्कैट रख सकते हो इसके अंदर में, और चिकलेट भी आप इसके अंदर रख सकते हो। तो अरे आपने रखा हुआ है टैंक मेट्स उसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एल्बिनो पिरानास रखा हो, टिम्फॉइल रखा हो, यहाँ पे चिकलेट से मेरे पास साइज रहना, देखो चिकलेट अगर रखते हो थोड़ा छोटा सा इसका नहीं रखना, एक सब्जेक्ट साइज का थोड़ा सा रहना चाहिए ताकि आपस में भिड़े नहीं, ये क्वांटिटी ज़्यादा है इसके अंदर तो ये भिड़ते नहीं है। और ये जो काला कलर जो आता है, ये जो पेपरिंग है, ये पेपरिंग चले जाता है, इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को, ये बात ध्यान में रखें, थोड़ा सा के थोड़ा सा ध्यान रखें। पानी चेंज होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से पेपरिंग आती है, स्लो 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 करके चली जाएगी, हीटर लगाओ, व्हाइट स्पॉट आता है, प्रॉब्लम यही होगा, व्हाइट स्पॉट का प्रॉब्लम होगा, व्हाइट शीट का प्रॉब्लम आता नहीं इन लोग को जल्दी, तो आपको सिर्फ हीटर लगाना है और पानी इतना पानी चेंज करो 50%, आधा पानी चेंज करो। अगर आपने ग्रैनुल्स वगैरह नीचे अगर पेबल्स वगैरह डाले हो तो थोड़ा सा गंदे भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हो पैरेट तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बेयर बॉटम रखे टैंक, थोड़ा क्लीन रखने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अगर आप बॉटम में कुछ रख रहे हो तो एग्जांपल जैसे कि पेपल्स वगैरह लगे तो आपको पेपल्स सही तरीके से निकाल के उसको वॉश करके फिर से उसको डाले वापस से, और नीचे का बॉटम का कचरा उठाए फिर से ऐड करें, थोड़ा सा
ज़्यादा गंदा नहीं करते लोग, आप देखेंगे नीचे पूरा बॉटम क्लीन रहता है, हल्का फुल्का सा टॉयलेट का था, आप उसको नॉर्मल साइफन पाइप से छोटा पाइप लेके आप उसको कचरा निकाल सकते हैं। ओके तो आरिफ भाई, अभी देखा आपने टैंक साइज और टैंक कितने फिशेस रखे, फिर बात की उनके टैंक मेट्स की, तो अभी बात करते हैं इनको फीडिंग क्या दे कि लाइफ फीड मतलब फीडिंग देते नहीं प्रॉपर, तो कलर लाइट होता है, मारा मारी करते, कौन सा फीड देना चाहिए एक बता दिया अपने व्यूअर्स को। पैरेट्स के फूड के अंदर बहुत सारे फूड्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज है, इकारी वगैरह है, या फिर आप डायो का पैरेट फूड वगैरह, या फिर आप इसको ड्राई वॉम्स वगैरह डाल सकते हो, या फिर आप टेट्रा बाइट्स वगैरह डाल सकते हो। तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा कि फीडिंग इसको प्रॉपरली रहना ज़रूरी है, और कैसा है कि मच्छी जितना खाएगा पीना उतना मच्छी हेल्थी होता है, थोड़ा सा ध्यान रखें फीडिंग के ऊपर। और पर्टिकुलर नॉर्मल इतना टेंशन नहीं है पैरेट पालने में, ये इतना हार्ड मच्छी मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर ओनली फॉर आप पैरेट रखेंगे तो भी आपका एक टैंक खूबसूरत सा टैंक बन जाता है। अगर आप मॉन्स्टर एक बड़ा सा टैंक लेके इसके अंदर साइज थोड़ा सा ग्रोथ करेंगे, इसका पालने में भी अच्छा है, इसका लाइफ भी काफ़ी अच्छा है, मिनिमम साल दो साल तीन साल तक का इसका लाइफ है, तो ये अच्छी तरीके से पल जाते हैं। इसके अंदर टाइप्स होते हैं काफ़ी सारे, मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि ज़्यादा करके आर्टिफिशियल जो भी किया हुआ है वो पैरेट आप इग्नोर करें, वो पैरेट के कलर चले जाते हैं, ये जो नॉर्मल है, ये जो है येलो और वाइट है, ये जो पैटर्न है, ये सब कलर जाते नहीं है, ये सब नेचुरल मतलब ये भी आर्टिफिशियल है, बट इन लोग के कलर रहते हैं काफ़ी टाइम तक रहते हैं लोग के कलर। ओके तो फीडिंग में मतलब कितना टाइम फीड करें दिन में? दिन में मिनिमम दो टाइम फीडिंग करना ज़रूरी है मच्छियों को, क्योंकि क्या होता है कि कुदरत ने जो है एक भर्ती आना और जाना जो होता है नेचुरल, जो कुदरत भी खाना मच्छी को दो टाइम देती है, उसी तरीके से आपको इंसानी तौर पर दो टाइम मच्छी को फीडिंग करना ज़रूरी है। ओके तो आरिफ भाई, हो गया फीडिंग की, कोई उसको पाल रहा है, फिर उसके बाद कभी प्रॉब्लम आता है कि फिश बीमार गिर जाती है, कोना पकड़ लेते हैं पैरेट फिश में, तो कौन से टाइप की बीमारी पैरेट फिश में दिखती है और उसको क्योर कैसे करें, ये अपने व्यूअर्स को बता दें। पैरेट के अंदर ज़्यादा करके प्रॉब्लम एक ही होता है कि वो तो खाना बंद कर देती है, या दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कोना पकड़ लेती है, एक साइड में चले जाती है सब कुछ एक कोने में जाके, तो वो एक होता है, दूसरा काला पड़ जाता है, कलर फेंट होता है, ये सब टाइप्स होते हैं बीमारी के। तो जितना होगा उतना ध्यान रखें, मेडिसिन के अंदर नॉर्मली मेडिसिन है इसके अंदर, अगर वाइट स्पॉट वगैरह लगता है तो आपको मेथिलीन ब्लू यूज़ करें, और हीटर लगाए उसके अंदर तो भी आपका जो है कलर वाइट स्पॉट जो भी लगाए तो वो निकल जाता है, क्लीन हो जाता है। और दूसरा सेकेंड थिंग, काला पड़ता है, काले के अंदर भी आपको नॉर्मली हीटर लगाना है, आप येलो लिक्विड यूज़ कर सकते हो वो भी चलेगा, इसके लिए ग्रीन लिक्विड जो होता है वो भी यूज़ करें, उसके अंदर आपको जख्म वगैरह लग रहा है, फंगल वगैरह लग रहा है, तो उसके लिए ग्रीन लिक्विड, या फिर एंटीबायोटिक में आप टेट्रासाइक्लिन वगैरह, या फिर बहुत सारे एंटीबायोटिक की डोज आती है, पैरेक्सिन आता है, या फिर आप इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है तो मेट्रोजेल वगैरह यूज़ करें, या फिर आप फ्लैजिल यूज़ करें पेट साफ करने के लिए, या फिर एप्सम सॉल्ट मेट्रोजेल आईवी वगैरह यूज़ करें इंटरनल प्रॉब्लम के लिए, आपको फंगस के लिए लगता है तो फिर आप फंगस के लिए एंटीबायोटिक में अल्मोक्सिलिन यूज़ करो, सिप्लोफ्लॉक्सासिन यूज़ करो, पैरेक्सिन 500 यूज़ करो आप इसके अंदर क्लोरोफिनिकॉल, या फिर आप टेट्रासाइक्लिन अगर मिलता है तो वो यूज़ करो, काफ़ी जगहों पे टेट्रासाइक्लिन मिलता नहीं तो आप लोग को कोई भी एंटीबायोटिक आप कैप्सूल यूज़ कर सकते हो, टेबलेट यूज़ कर सकते हो। तो आरिफ भाई, अभी अपन कोई पाल रहा है इतने टाइम से रख रहा है, फिर वाटर चेंजेस हो रहा है अल्टरनेट डेज या फिर डेली वाटर चेंज हो रहा है, तो वाटर का लेवल क्या मेंटेन करें, कैसा पानी का क्लियरिटी वगैरह क्या उसमें एडिशन डालना चाहिए, ये बता दीजिए। सबसे पहले आप लोगों को ये जो मच्छी है चिकलेट वराइटी में आता है पैरेट, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको हैवी पानी लगता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको वजन पानी चाहिए, जैसे कि आप इसको बोरिंग का भी पानी यूज़ कर सकते हो और आप इसको टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको क्या करना है कि स्टोर पानी यूज़ करें इसके लिए, जितना होगा उतना स्टोर, मतलब ज़्यादा आप डीपली साइफन नहीं मारेंगे तो आपके पास नॉर्मल नया पानी डालेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब सिर्फ आपको यही करना है कि इसके अंदर से ओनली फॉर नीचे का शीट्स निकालना है और नया पानी क्लोरीन ऐड करके क्लोरीन रिमूवर ऐड करके आपको नया पानी डालना है इसके अंदर, तो आपका क्या होगा कि आपका जो नया पानी ऐड किया हुआ वो जो लाइट पानी है वो भी हैवी हो जाता है, क्योंकि आप 75% के अंदर अगर आप 25% नया पानी ऐड करते हो तो आपका पानी ऑलरेडी हैवी हो जाता है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वीकली पानी चेंज करें, हफ्ते में 7 डेज में, डीपली पानी चेंज नहीं करें, 7 डेज में पानी चेंज करें, ठंडी का माहौल आ रहा है हीटर यूज़ करें, हीटर इसलिए लगाने के लिए बोल रहा है कि ठंडी के अंदर वाइट स्पॉट होने के चांसेस ज़्यादा है, बारिश वगैरह की चल रही है थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो वो हिसाब से आप हीटर लगाएं, और नॉर्मल पानी थोड़ा ज़्यादा चेंज नहीं करें बारिश के अंदर, खाना अगर कम डालना चाहते हो तो ठंडी में खाना कम डालें, हल्का हल्का डालें, सबको मिले इतना ही डालें, और ठंडी में फीडिंग कम करना चाहिए, और हीटर लगाएं ठंडी के अंदर, और आप
आपको पानी को ज्यादा डीपली चेंज ही करना है 25-30%, 50%। तो वाटर चेंजेस के बाद आरिफ भाई इसके अंदर अपने वो कुछ ये अपना क्या बोलते हैं रॉक सॉल्ट डालना चाहिए या फिर हल्का सा इसके अंदर हल्का सा नमक डाल सकते हैं इसके अंदर। एक्चुअली ज़्यादा नमक डालने से इसका कलर जाने के चांसेस होते हैं क्योंकि कलर नमक से निकलता है, एक्चुअल आर्टिफिशियल है। काफ़ी लोग मेहंदी लगाते हैं, अगर नमक लगा दिए तो मेहंदी का कलर चले जाता है। ये भी आर्टिफिशियल इंजेक्ट किया हुआ मच्छी है, ये लाल कलर जो है इंजेक्ट करके लाल कलर डाला जाता है और येलो कलर भी इंजेक्ट करके डाला जाता है और टैटू जो बनते हैं वो भी इंजेक्ट करके किया जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है मेरी बातों को कि आपको डीप पानी चेंज नहीं करना है। डीप पानी चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये आएगा ज़रूर, तो आप लोग ये ध्यान में रखें 50-40% पानी चेंज करें। ओनली फॉर आपको कचरा निकालना है, ये मच्छी ज़्यादा गंदा नहीं करती है। फीडिंग ध्यान रखें, ड्राई वर्म्स वगैरह के डालते हो, लाइव वर्म्स वगैरह डालते हो अगर आपको प्रोवाइड होता है मिलता है तो एक कम मात्रा में डालें, थोड़ा सा डालें। उसके अलावा पैलेट्स वगैरह डालना ज़रूरी है अगर ड्राई वर्म्स भी डालते हो तो। पैलेट से क्या होता है कि पेट भरता है मच्छी का, हैवी प्रोटीन वाला फूड है, वजन फूड होता है, उससे आपका मच्छी जो है थोड़ा खाना अच्छा खाएगा। इसके अलावा आप श्रिंप फूड भी डाल सकते हो, श्रिंप फूड के अंदर अगर आपको श्रिंप फूड मिलता है मार्केट में या शॉप में तो आप श्रिंप फूड ले सकते हो, या उसके अलावा आप सुकर या जवला वगैरह भी डाल सकते हैं इसको, या आपके इधर गांडूल वगैरह जो भी मिलता है, कीड़ा वगैरह जो भी मिलता है आप वो भी डाल सकते हैं, ब्लड वर्म्स भी डाल सकते हैं, ब्लड वर्म्स भी डाल सकते हैं, टूबी फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो आरिफ भाई थैंक यू एक बार वापस कि आपने अच्छे अपने व्यूवर्स के लिए पैरेट फिश के ऊपर एकदम इजी वे में बताया, ज़्यादा डीप में नहीं घुसे, ऊपर ऊपर से मतलब एक बेसिक हॉबीज थे आइडिया एक पैरेट फिश रखने का दे दिया है। तो थैंक यू आरिफ भाई, और क्या बताना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को और क्या कुछ आपके पास है बोलने के लिए? एक हफ्ता पहले जब मैंने एक मेरे कस्टमर को पैरेट दिया था तो उसका प्रॉब्लम ये था कि बंदे ने इंटरनल फिल्टर लगाया था, हमारे फ्रेंड है ये भी मुंबई में रहते हैं, तो उन्हें इंटरनल फिल्टर लगाए थे तो उनका प्रॉब्लम यही था कि उनके पैरेट कोने में जा रहे थे, एक साइड में खड़े थे लाइन से। तो जब मुझे कॉल किया कि बोले आरिफ भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने बोला भाई आपका फिल्टर कौन सा है, तो बोले इंटरनल फिल्टर है। इंटरनल फिल्टर कंटिन्यू चालू रखते हैं, 24 आवर चालू था, मच्छी ने फ्लो खा खा के स्ट्रेस में चलेगी, कोने में खड़े रह गए। तो आप लोग को बोलता हूँ ज़्यादा फ्लो वाला फिल्टर मत लगा रहे, अगर आपकी कैपेसिटी है तो कैनिस्टर यूज़ करें, अगर नहीं है तो स्पंज फिल्टर यूज़ करें, ज़्यादा गंदा नहीं करती है मच्छी। हीटर लगावे, बाकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मच्छी है, सेट होने में टाइम लगता है। और डरे नहीं, बिंदास मच्छी पाले, क्योंकि देखो क्या होता है कि मच्छी लेना बहुत इजी है, उसको पालना थोड़ा सा हार्ड होता है। मैं भी इतना सारा मच्छी मंगाता हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा एक वो होता है कि मतलब मच्छी को संभालना है, बहुत सारी टैंक्स है, बहुत सारे पब्लिक भी आती है, तो मच्छी को थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप वीकली में पानी चेंज करेंगे तो भी चलेगा, बस आपको एक मॉर्निंग में आप खाना डालते हो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि मच्छी को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लग रहा है तो आप क्या करो उसको मेडिसिन डाल के चले जाओ। अगर आपको लगता है मेडिसिन आप करके चलेगा, अगर आपको शाम में आने के बाद आपको टाइम मिलता है तो आप उसको देखें, उसको अच्छे से देखें और उसको सही तरीके से मेडिकेशन करें तो आपकी मच्छी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी और अच्छे से रहेगी। ओके आरिफ भाई थैंक यू, वापस नए वीडियो के साथ। और जो वीडियो अपने को देखने का है आरिफ भाई को कमेंट करके बताएं, आरिफ भाई बनाएंगे कि नहीं वीडियो नेक्स्ट? भाई काफ़ी लोगों के मेरे को नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमें इग्नोर करता है या फिर हमारे कॉल रिसीव नहीं करता है या ऐसा वैसा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भाई मैं शॉप पे रहता हूँ और यहाँ पे मुझे काम होते हैं काफ़ी सारे, मेरे पास वर्कर ज़्यादा नहीं है और मैं दुकान भी देखता हूँ और काफ़ी सारा काम भी करता हूँ। तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि थोड़ा सा फ़ोन मेरा नहीं रिसीव करने का रीज़न ये कि पब्लिक ने काफ़ी सता दी है मुझे कि फ़ोन करके मच्छी बीमार होती है तो कॉल करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मच्छी को तो भी मुझे कॉल आना चालू होता है। ट्रीटमेंट काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, इतने सारे मेडिसिन बता चुका हूँ, फिर भी पब्लिक मुझे कॉल करके सता रही, तो इसके लिए डर लगता है कि मतलब फ़ोन अटेंड करने के बाद काफ़ी भाई कभी आपके पास है कि ये है कि वो है कि ये एक डज़न भेज दो, दो डज़न भेज दो, तो थोड़ा सा लगता है। तो हिसाब से फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, उसके लिए सॉरी। और दूसरा क्या है कि काफ़ी लोग परेशान मैं हो रहा फ़ोन से कि फ़ोन ज़्यादा आ रहे और पब्लिक सता रही ज़्यादा, मतलब कि मेडिसिन बताने के बावजूद भी इतने सारे फिशेस के बारे में बताया हूँ और इतना बताने के बावजूद भी लोग फ़ोन करके पूछते गोल्डफिश को ये हुआ, शार्क को ये हुआ, कोई को ये हुआ, मोली को ये हुआ, मोली के बच्चे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो हो रहे, तो थोड़ा सा परेशान हूँ, तो इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह टाइम मिलता तो फ़ोन उठा लेता हूँ, अगर काम में रहता हूँ या कस्टमर्स काफ़ी आते सुबह से रात तक कस्टमर आते फ़ोन अटेंड करने में टाइम लग जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरा बोलूँगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस देखो, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो बोल दो, बंद कर दूंगा बनाना। बाकी कोई नहीं, जिसको आरिफ भाई को जो पसंद करते हो कमेंट्स में आरिफ भाई के लिए एक छोटा सा मैसेज डाल दो कि आरिफ भाई का वीडियो बनाओ करके,
तो आरिफ भाई के लिए भी एक मोटिवेशन और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, आरिफ भाई सब्सक्राइब करने बोल दो आपके भाई। आपके लोग से व्यूज ज़्यादा है और सब्सक्राइब कम है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपको नोटिफिकेशन में अलग अलग वीडियोस जानना है या मिले, आपको पता चले कि कौन सा वीडियोस बना है, आपको हर नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कौरी के ऊपर बनाना चाहूँगा, कौरी कैटफिश के बारे में, कौरी क्या चीज़ है और कहाँ पर रहती है, कौन सी मच्छी के साथ में रहेगी और उसका क्या काम है, वो किस टाइप में आती है, किस वराइटीज़ में आती है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।